साहब भैंसे बाढ़ आने से मर गए, मुआवजा के लिए दस्तावेज दिए, जन सुनवाई में लगाई गुहार, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। साहब 3 अगस्त को गांव के पास वाले जंगल में अपनी भैंसे चराने के लिए लेकर गया था, इसी दौरान बाढ़ आ गई और उसमें भैंसे बहकर मर गई। गांव में सर्वे हो चुका है, थाने में इस बात की शिकायत भी दर्ज करवाकर पंचनामा बनाकर प्रशासन को दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक मुआवजा नहीं मिला है। इस कारण काफी परेशान हूं। मवेशी मालक रघुवीर जाटव निवासी विनेगा ने बताया कि मामले को लेकर जनसुनवाई में भी आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब दूसरी बार जनसुनवाई में गुहार लगाने आया हूं, इसलिए मुझे मृत मवेशियों का मुआवजा दिलवाया जाए। बस वही बाढ़ में 3 तारीख 8 महीना में 2021 में हमारी 2 भैंसे एक पड़िया बह गई थी, तो उसकी हमने रिपोर्ट FIR करवा रही थी थाने में, FIR करवा कर PM रिपोर्ट के लाने भेज दिया था। PM रिपोर्ट भी करवा दी हमने, PM रिपोर्ट करने के बाद में हमने पूरे कागज लेकर हमने आकर दे दिए पटवाई को। पटवाई ने वो बोला कि भाई आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? तहसीलदार को और बाबू को सबको देना पड़ता है। भाई मेरे पास पैसे है नहीं है, मैं तो बोला ये भाई कहीं दे भी ला, तो मैं अपनी औरत का मंगन सूट नवाब साग लाख हैं गिरवी धरा 7,000 रुपये में। जब 7,000 रुपये दिए मैंने पटवाई को, विष्णु पटवाई ने ले गए दिए थे सीधे बाबू मोहन बाबू को, क्या मोहन बाबू देगा तहसीलदार को। तो मैंने कही भाई, मैंने कही अब तो कर दो काम, अब रोजीना मैं फिर रहा हूँ तो डेली कहते हैं जे काम जे कागज़ में गड़बड़ी है, तुम्हारे जे कागज़ में गड़बड़ी है, इसलिए कलेक्टर साहब पे हम आए हैं।